हेलो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। देखिए, पांच सेशन आप ऑलरेडी देख चुके हैं, ये छठा सेशन है, ठीक है। और ऐसे ही लगातार सेशन आगे बहुत सारे आने वाले हैं, तो कंटिन्यू रहिए। देखिए, खाली आप वीडियो वीडियो से ही काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, तो कोशिश कीजिए कि जो अप्रोच बताई जा रही है जिस जिस तरीके से, तो डेली लाइफ में लगाने की, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो हैं, अगर मैं क्वेश्चन पेपर करता सिलेक्शन में लेते वक्त जो मैंने किया, वो भी वही किया कि भाई ऑप्शन से कई बार एलिमिनेट किया, कई बार ऐसा हुआ कि भाई डीएस से मैंने क्वेश्चन लगाया, कई बार एमजी कॉन्सेप्ट से लगाया। और ज्योमेट्री के अंदर मेन जो मैटर करता है, जैसे एडवांस पार्ट आता है, एडवांस पार्ट में क्या होता है, आपने लिमिटेड क्वेश्चन किए होते हैं। अगर वो चीज़ आपने पहले से ही नहीं करी हुई, पेपर में आके नहीं दिख रही है, तो उसमें आपको दिक्कत होनी होनी है। जैसे कि आप क्लास से ही आदत डालिए कि मेरे को बार बार लिखना नहीं है, जैसे कि मैं क्लास में भी ये करता हूँ कि बार बार लिखना नहीं है आपको। यहाँ देखिए, मैं सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं लिखवाता। आप मेरे क्लास में किसी बच्चे से पूछिए कि सॉल्यूशन मैंने लिखवाया कि पहला स्टेप ये, दूसरा ये, तीसरा ये, मैं कभी नहीं लिखवाता। हमेशा क्लास में भी ऐसे ही पढ़ना है कि जैसे आप एक एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। बात को समझिए, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका 26वां क्वेश्चन। इसके अंदर आपको ये दे रखा है, ये डी बिंदु है, ये ई बिंदु है, ये बी और ये सी पॉइंट दे रखा है आपको। और इसके अंदर एसी की वैल्यू आपको 40 दे रखी है और रेडियस जो है आपको 3-5 में दे रखा है। देखिए, 3 यूनिट ये, 5 यूनिट ये, 3 और 5 रेडियस नहीं है, यूनिट है, ठीक है, यानी अनुपात है। अब आपको पता है कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। देखिए, बात समझिएगा, मैं हमेशा इस हिसाब से ही कहता हूँ कि आपको ज्योमेट्री इस हिसाब से ही पढ़नी चाहिए। ये राइट एंगल, राइट एंगल, ये एंगल कॉमन है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। पहली बात मुझे पता लग गई, सिमिलर हो गए। दूसरी बात मैंने देखी कि साइड का रेशियो क्या है, जो कॉमन एंगल है उसके सामने 3, कॉमन एंगल उसके सामने 5, तो 3-5 होगा, यानी ये अनुपात भी आपका 3-5 होगा। 3-5 का मतलब है जो अंतर होता है हमेशा वो 2 यूनिट का, यानी ये होता है। अगर 5 यूनिट की वैल्यू 40 दे रखी है, तो ये क्या हो गई आपकी 2 यूनिट, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई। 16 का मतलब है R1 + R2, यानी 3-5 का अनुपात है, टोटल 16 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। और आपको क्या निकालना है, DE निकालना है। अगर आप देखते हैं, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, ये इस तरीके से, ये आपका 16 है, ये 6 है, ये 10 है, ये 4 बचेगा, तो 256 - 16 यानी 240, यानी 2√15 हो गया आपका, 4√15 हो गया, तो 4√15 आपका आंसर हो जाएगा। अब बात देखें कि इसके अंदर लिखा क्या, आपने आपने लिखना नहीं है, डायग्राम पे अटैक करना है सीधा। कुछ भी नहीं लिखना कि ये इसके सिमिलर है, ये इसका रेशियो है, ये ऐसा होगा, ये वो होगा, सीधा देखना है क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि आप दोबारा से देखते हैं, अनुपात था 3-5, अब मैं सीधा बताता हूँ, 3-5 का अनुपात है, जो अंतर हो गया यानी 2 यूनिट का, वो इसके बराबर है, क्योंकि 5 की वैल्यू 40 थी, ये पूरा 5 है, 2 की 16, ये 16 आ गया, ये 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, क्योंकि R1 + R2 है, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, बचेगा 4, इसमें से घटाएंगे, पाइथागोरस लगा के 4√15 आपका आंसर आ जाएगा। तो ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री कभी भी करते हैं, तो उसमें बार बार सिमिलरिटी वगैरह कुछ नहीं लिखना है, केवल इतना लिखना है जितना इसमें लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27वां क्वेश्चन। देखिए, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, ये पहले भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। ए सी डी बी एन और एम, ये आपको दे रखा है, ए बी आपको 30 दे रखा है, 30 का मतलब है ये 15 हो गया, सी डी आपको 24 दे रखा है, ये 12 हो गया, ये ओ है, ये ओ डैश है। देखिए, सीधी सी बात ये है, अगर मैं देखूँ ये आर है, ये कैपिटल आर है, तो R² - 15² बराबर होगा R² - 12² के। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये वाली साइड तो बराबर ही होगी, चाहे आप इस ट्राइंगल में निकालें, चाहे इस ट्राइंगल में निकालें। अब आपको क्या निकालना है, आपको बेसिकली निकालना है MN, ये R है, ये कैपिटल R है, आपको R² - R² निकालना है, जो कि 15² - 12² हो गया। और 15² - 12² अगर आप निकालेंगे,
आपको बेसिकली इसका स्क्वायर रूट करना है, 15 माइनस 12 3, 15 प्लस 12 27, इसका रूट करेंगे 9 आ जाएगा, तो 2 × 9 कर देंगे जो कि आपका 18 आ जाएगा, तो 18 आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देखिए, देखिए इतना सब कुछ लिखना नहीं है, डायग्राम आपके दिमाग में है, ये आपको पता है क्वेश्चन अगर आपने पहले से किया हुआ है कि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो यानी 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर आपका ये होगा, तो ये भी 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर होगा, ठीक है, इसका रूट तो 9 ये 9 ये 8 18 आपका आंसर आ जाएगा, और 15 12 के साथ ट्रिपलेट आपको पता है 9 का बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28वां। ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखा हैं जिसकी रेडियस 6 है, बी ए सी 60 डिग्री है। देखिए आपको बताइए, अगर 60 है तो 30 ऊपर रहेगा, 30 नीचे रहेगा, 30 के सामने 6 है अगर तो 60 के सामने 6√3। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यानी ये अगर सॉल्व करेंगे ये 6√3 हो गया, ये भी 6√3 हो गया, 6 × 6 36 या 108 यानी 216 का रूट निकालेंगे, 216 का रूट निकालेंगे 6√6 आ जाएगा, यानी आपका ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, देखिए 30 के सामने 6 है, 60 के सामने 6√3, 6√3 ये 6√3 ये, 216 का रूट 6√6, परफेक्शन चाहिए, देखिए आपको परफेक्शन जब तक नहीं होगा ज्योमेट्री और मेंसुरेशन करने का बिल्कुल मजा नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक एक करके प्रॉपर्टी लिख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर ये हो गया, टेन थीटा बराबर ये हो गया, पी क्यू आर इसके सिमिलर हो गया, ये सब चीज़ें बच्चे लिखते हैं देखिए, और वो बच्चे कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन चीज़ों से आगे निकलना पड़ेगा, चीज़ों को शार्पली करना पड़ेगा। शार्पली के लिए क्लास से ही प्रैक्टिस बनती है, क्लास से ही प्रैक्टिस करिए उस चीज़ की कि भाई आप देख रहे हैं उसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिख रहे हैं, आज टाइम लगाइए अगर कल बचाना चाहते हैं तो, ठीक है, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, आज अगर टाइम लगाएंगे। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है मैं करके दिखाता हूँ पेन फ्री, 70% क्वेश्चन मैं पेन फ्री करके दिखाऊंगा, क्यों, क्योंकि मेरी हैबिट है, मैंने उस चीज़ को टाइम दिया है, टाइम दीजिए चीज़ों को, पेन छोड़िए। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 29th क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसका रेडियस आपको दे रखा है 2, इसका रेडियस मैं आर मान लेता हूं, ये आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये 2 हो गया, ये एंगल हो गया आपका 30 डिग्री, ए बी और सी। देखिए अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल एक लाइन में आंसर करना है, एक लाइन में ही आएगा आंसर, 30 के सामने अगर 2 है तो 90 के सामने 4 होगा, ठीक है, 30 के सामने अगर 2 है 90 के सामने 4, अगर मैं ये पूरी लेंथ देखता हूँ कितनी हो गई, 4 + 2 + r, ये पूरी लेंथ हो गई, और अगर मैं देखता हूँ 30 के सामने अगर r है तो 90 के सामने क्या होना चाहिए, 2r होना चाहिए, 2r का मतलब है r तो ये हो गया, बचा हुआ ये पूरा r होगा, तो r की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो केवल एक लाइन का क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्ट देखना है, सिमिलरिटी लगा के, सिमिलरिटी इसी तरीके से लगाई जाती है, कभी भी सिमिलरिटी लगाते वक्त आपको स्टेप नहीं लिखने होते, सीधा क्वेश्चन में लिखना होता है, डायग्राम में लिखना होता है, जो भी डायग्राम दिया हुआ है। दोबारा से समझिए एक बार, 30 के सामने 2, 90 के सामने 4, अब मैं देखता हूँ इस ट्राइंगल में, अब अगर आप देखते हैं 30 के सामने r है तो 90 के सामने 2r होना चाहिए, यानी ये वैल्यू r है तो ये वाली 2r होगी, जिसमें से r ये है तो यानी ये बची हुई r के बराबर है, तो यानी 6 आ गया r का आंसर। ये भी नहीं लिखना, ये भी काट दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। थर्टीएथ क्वेश्चन देखेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, डायग्राम दिया हुआ है आपको,
इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है आपको, ये ओ है, ये क्यू है, ये पी है, ये आर है, ये पी है, ठीक है, और तीन टेंजेंट हैं, क्यू पी आर आपको दे रखा है 45 डिग्री। अब देखिए बात को समझिएगा ध्यान से, आपको निकालना कौन सा एंगल है, क्यू ओ आर ये निकालना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए कई कई चीज़ें ना ऐसी होती हैं, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री भी देखेंगे ना, कई क्वेश्चन ऐसा है जो फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला भी एकदम शार्पली लग सकता है मुश्किल से 5 सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर, पर आपने देखा भाई साइन ए प्लस साइन बी आप लिख रहे हैं, 2 sin A + B/2 cos A - B/2, इस तरीके से कभी पेपर क्लियर नहीं होगा। सीधा ही आपको देखना कि फाइनली क्या बचेगा। क्लास में भी मैं कई बार बच्चों को ये कोशिश करता हूँ कि वो क्लास से ही इस चीज़ के माहौल को जाने कि भाई प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। वीडियो में भी मैंने यही कोशिश करी है कि आपको ये पता लगे कि आपको प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, यानी केवल देख के ही आपको लिखना है, ऐसा कुछ नहीं लिखना ये प्लस ये हो गया, ये प्लस ये हो गया। अब आप देखते हैं अगर 45 डिग्री ये हो गया, देखिए ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे वाई और वाई, क्योंकि अगर ये सर्कल है और यहाँ से ये टेंजेंट बनी हुई है अगर, ठीक है ये सर्कल है ये टेंजेंट बनी हुई है अगर, तो ये दोनों एंगल आपके बराबर होते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर है, ये सर्कल है ये टेंजेंट बनी हुई है यहाँ पर, और ये दोनों एंगल तो 90 हो जाएंगे, और ये वाले दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, ये एक्स एक्स ये वाई वाई। अगर मैं देखता हूँ इन दोनों का सम कितना है 135, यानी जो बचा है ये 180, 180 यानी 360, 360 में से अगर 135 घटाते हैं तो देखिए बचा कितना आपका 225, 225 बराबर हो गया आपका 2i ऑफ एक्स प्लस वाई हो गया 112.5। तो देखिए 112.5 है तो क्वेश्चन मार्क कितना होगा, 180 माइनस 112.5 जो कि 67.5 डिग्री हो जाएगा, तो 67.5 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। यानी ज़्यादा कुछ नहीं करना है क्वेश्चन के अंदर, केवल ये ध्यान से देखने वाला पार्ट है, ऐसा नहीं है आप इंडिविजुअली लिख रहे हैं, लिखने वाला पार्ट नहीं है केवल समझने वाला है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे इस क्लास के अंदर, बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।